बाद में मेरा दिमाग नहीं निकलता है भाई, स्टूडेंट है मेरे। चलिए सो लेट्स गो अहेड। सो वी विल अगेन ऐड टू दिस पॉइंट्स। ओके, तो अब हम लोग स्क्रॉटम डिस्कस कर रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंस इन द स्क्रॉटम, एक्चुअली इसमें तो फॉन्ट साइज छोटा हो गया, बात देखते हैं। अब 14 चलिए, तो स्क्रॉटम में क्या होता है? सो इट इज एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच। एक ना एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। इट इज एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच दैट हैंग्स इन द प्यूबिक। प्यूबिक कौन सा होता है? सेक्सुअल रीजन। तो सेक्सुअल रीजन है उसको हम लोग प्यूबिक रीजन बोलते हैं। क्यों उसको प्यूबिक रीजन बोलते हैं? क्योंकि प्यूबिस हड्डी है। सो इट इज एन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच दैट हैंग्स इन द प्यूबिक रीजन। ओके, एंड इज सपोर्टेड बाय द प्यूबिस बोन। ठीक है, नाउ इसका खासियत क्या है? इट हैज इसके इतना डिटेल यहां नहीं पढ़ेंगे। इट क्या, इट कीप्स द टेस्टिस अवे फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड हेल्प्स इन द क्या, एंड हेल्प्स इन द नहीं अच्छे लिखी बनी ना इंट्रोडक्शन था। हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ, क्यों कूलिंग, क्यों वो हीटिंग भी हो सकता है। ओके, इंट्रा टेस्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, इंट्रा टेस्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रा टेस्टिकुलर टेम्परेचर at 1 to 3 degrees, okay, 1 to 3 degrees Celsius less than body temperature. तो ये उस स्क्रॉटम का काम है। ठीक है, so this is the function of the scrotum. Got out? ठीक है, नाउ उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो हमारा आ जाएगा पेनिस। ओके, तो सेकेंड स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड पेनिस। ठीक है, तो उसको हम लोग पेनिस बोल देंगे। ओके, उतना ही रहने दो। फाइन, दिस इज कॉल्ड पेनिस एंड उसका काम क्या है? सो इट इज ए पेनिट्रेटिंग ऑर्गन और इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। ओके, फुल स्टॉप। ओके, इंट्रोमिटेंट ऑर्गन। इट हेल्प्स टू डिपॉजिट the semen. Okay, it helps to deposit the semen within the body of the female. Okay, तो ये female के body के अंदर semen deposit करने में मदद करता है। ठीक है, it is it is self erectile. Okay, it is self erectile in humans and there is no bone. किस में bone होता है मालूम है? बोलो। Rats
ओके भूली गल के रैट्स हैव पेनिस ओके ये याद रखना तो रैट्स के पास पेनिस पे हड्डी होती है तो रैट्स हैव पेनिस तो इसीलिए उनका इरेक्शन जो है हड्डी के कारण होता है बट जो ह्यूमन मेल्स है उसका इरेक्शन में हड्डी का कोई खास रोल नहीं है। चलिए तो अब डक्ट सिस्टम तो डक्ट सिस्टम हम लोग का शुरू हो जाएगा बिल्कुल टेस्टिस को मोहरू तो ये आप नहीं जानेंगे इसलिए आमो स्कूल पिला दे विल टेल तो टेस्टिस के मुंह से बोलो फटाफट डक्ट सिस्टम पहला क्या होगा बताओ या तुम लोग भी बता सकते हो अगर आपको आता हो तो बोलो अभिषेक फर्स्ट डक्ट सिस्टम क्या है डोंट डिले डोंट वेस्ट माय टाइम तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ट्यूबुली रेक्टाई ओके उसके बाद क्या आ जाएगा तो ये बन जाएगा रेटी टेस्टिस ये क्या हो जाएगा सो ट्यूबुली रेक्टाई उसके बाद आ जाता है इट विल जॉइन टू फॉर्म रेटी टेस्टिस तो रेटी टेस्टिस के बाद आएगा वासा एफरेंशिया हम लोग डक्टिवली एफरेंटिस भी बोलते हैं ओके डक्टिवली एफरेंटिस ये मेनी होगा ओके ये याद रखेंगे उसके बाद मेनी या फ्यू आप बोल सकते हो ओके बट वन नहीं होगा उसके बाद वासा एफरेंसी के बाद क्या आ जाएगा एपिडिडाइमिस तो एपिडिडाइमिस का पहला क्या होता है कैपुट फिर आएगा कॉर्पस फिर आएगा कॉर्डा ठीक है तो कैपुट कॉर्पस कॉर्डा उसके बाद आ जाएगा तो यही जो कॉर्डा विल कंटिन्यू कॉर्डा epididymis ओके बाबा ए लाइट ऑफ कैसे डाल दोगे कॉर्डा epididymis क्या leaves the testis as vas deferens ओके vas नहीं deferencia नहीं vas deferens यस क्योंकि वो अकेला है वो पेयर नहीं है इसलिए उसको डिफरेंसिया नहीं बोलते हैं तो वास डिफरेंस और उसको हम लोग कह सकते हैं डक्टस ओके डक्टस डिफरेंस ओके डक्टस डिफरेंस ये वन पर टेस्टिस होता है ओके तो ये वन पर टेस्टिस इसको पर लिख लेता हूं नहीं तो तुम डिवाइडेड वाइज सोचोगे वन पर टेस्टिस ठीक है नाउ प्रॉब्लम क्या है ये जो पार्ट है ओके सो दिस पार्ट ऑफ दिस सेक्स डक्ट इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको कहेंगे इंट्रा टेस्टिक्युलर समझ रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ये टेस्टिस के अंदर होता है इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट्स ठीक है तो अब ये आपका बाहर भी जाएगा तो इसलिए ये जो पार्ट है ये इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट्स है अब हम टेस्टिस से बाहर निकलेंगे तो अब जो बाहर निकलेंगे तो शुरू वहीं से होगा So that is called your what? Vas deferens. We will change color for that. So vas deferens. Either bracket में लिखेंगे क्या? Leaves testis arrow. उसके बाद क्या होगा? Enters into एब्डोमिनल कैविटी ये फिर वापिस जाता है
एब्डोमिनल कैविटी ऊपर जाता अच्छा है एंड देन अगेन इट विल कम डाउन. ओके सो अब ये एंटर्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. फिर इसका एक दो तीन ऐसे ब्रेक्स होगा, उसके बाद याद, तो वो हम आगे लिख लेंगे. तो ये ऊपर चला गया, तो जैसे ऊपर चला जाएगा इट विल सबसे फर्स्ट रिसीव क्या, सेमिनल वेसिकल्स. तो सेमिनल सबसे पहले ये सेमिनल वेसिकल्स को रिसीव करेगा. ओके देन फॉर्म्स वेसिकल्स क्या, इजैक्यूलेटरी इजैक्यूलेटरी डक्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट. डक्ट ठीक है, तो आप ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बन जाएगा. ओके गार्डेड बाय द क्या, इजैक्यूलेटरी स्फिंक्टर. ओके तो यहाँ एक स्फिंक्टर होगा क्योंकि मेल में कॉमन पैसेज होता है सुसु एंड सीमेन के लिए, समझ रहे हो, तो इसलिए दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द इजेकुलेटरी स्फिंक्टर. ओके अब ये ऊपर से यूरेथ्रा को मिलेगा, तो मीट्स यूरेथ्रा. ओके मीट्स यूरेथ्रा एंड बिकम्स मीट्स यूरेथ्रा विद इन द या सराउंडेड बाय, मीट्स यूरेथ्रा एंड सराउंडेड बाई प्रोस्टेट. ठीक है, तो इसलिए मीट्स यूरेथ्रा एंड सराउंडेड बाई प्रोस्टेट, तो उसी को कहते हैं क्या, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. उसके बाद आ जाएगा ये कहाँ जाएगा, तो उसके बाद आ जाएगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. ओके मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये कहाँ बनेगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इन द पेल्विक डायफ्राम. एक डायफ्राम है हमारा नीचे, दैट इज कॉल्ड पेल्विक डायफ्राम. ठीक है, तो पेल्विक डायफ्राम बनेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, रिसीव्स काउपर्स ग्लैंड. ठीक है, तो ये फिर काउपर्स ग्लैंड को रिसीव करेगा, उसके बाद ओके काउपर्स ग्लैंड, उसके बाद बन जाएगा पेनाइल यूरेथ्रा. ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा, फिर ये चला जाएगा आउटसाइड. ठीक है, सो ये जो पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम है, सो दिस पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर. ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं तो ये जो डक्ट सिस्टम है इसको हम लोग क्या कह देंगे, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम. ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम. क्लियर, समझ में आ गया. अब हम लोग चले जाएंगे एसोसिएटेड सेक्स ग्लैंड्स. ठीक है, तो उसमें आपका सबसे पहला जो ग्लैंड है, सो फर्स्ट ग्लैंड इज व्हाट, सेमिनल वेसिकल्स. ठीक है, तो ये है वन पेयर सीक्रेट्स नियरली 70% ऑफ सीमेन. ठीक है, तो सीक्रेट्स नियरली 70% ऑफ सीमेन. ठीक है, तो ये 70% सीक्रेट करते हैं, रिच इन न्यूट्रिशियस फ्रुक्टोस. ओके दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दी स्पर्म्स. ठीक है, इसलिए मेनली वो फ्रुक्टोज रिलीज करता है, बाकी जो है हम बाद में बात करेंगे. क्लियर, उसके बाद सेकंड ग्लैंड जो है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड.
prostate gland. Okay, number two is prostate gland. ठीक है, one in number and of the size of a golf ball. ठीक है, surrounds the क्या junction between urethra and ejaculatory duct. तो इसके junction को ये क्या करता है, ये surround करके रखता है. Fine. So this is the case. Now उसके बाद secretes a milky medium. Okay. That forms the ground substance या matrix, okay, of semen. तो mainly ये ground substance या matrix secrete करता है. और क्या बाद में हम बात करेंगे. उसके बाद जो third gland है, so that is called Cowper's gland. Okay, so number three is Cowper's gland, or उसको हम लोग bulbourethral gland बोलते हैं. ठीक है, urethra के पास होता है इसीलिए. तो ये आपका होता है again one pair, prostate one होता है. Okay, secretes an alkaline mucus. Secretes an alkaline mucus which protects the sperms from the female acidity and helps in lubrication. ठीक है, तो ये फीमेल एसिडिटी से बचाता है एंड लुब्रिकेशन में मदद करता है. क्लियर. सो ये है. एक और ग्लैंड हम लोग यहाँ फोर्थ ऐड कर देंगे. विल ऐड वन ग्लैंड हियर. तो जस्ट उसका कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही लिख देंगे हम लोग. सो फोर्थ ग्लैंड, दिस इज नंबर फोर. दिस इज कॉल्ड ग्लैंड of Tyson. ठीक है, so this is called glands of Tyson or उसको हम prepucial glands बोलते हैं. prepuce में होता है ना. it secretes smegma. बस इसका कोई वैसे रोल है नहीं, बस ये स्मेग्मा सीक्रेट करता है. चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग. तो वी विल आई सेंड यू दिस लेटर ऑन. तो नाउ वी विल गो टू द डायग्राम. ठीक है, अब हम लोग डायग्राम में चले जाएंगे. सो नाउ बेसिकली ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बेबी स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी हियर. सो हियर एक्चुअली आप देख रहे हो. So here you are seeing, so actually this is the scrotal sac. So वो बनाया नहीं है scrotal sac. So ये आपका scrotal sac हो जाएगा, है कि नहीं? And उसके अंदर क्या है? उसके अंदर testis है. बड़ा अजीब है यार, इसने testis ही नहीं लिखा है. So इसने testis लिखा ही नहीं है. Testis, ठीक है? So this is your testis. Fine. ये टेस्टिस है एक्चुअली. एंड ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस वन जगज्योति कहां से आ गया, ये कहां से आया, अंडो.
जगजीत सिंह अब ये कैसे ना पड़ेगा सर ये सर नहीं ये कुछ पता नहीं नया स्टाइल है तो ये आ गया मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा सो दिस इज योर स्क्रॉटम ठीक है तो ये स्क्रॉटम है तो देखे नहीं ना तो अंगूठी देखे हम पड़ोसी तो दिस इज द स्क्रॉटम एंड ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली एपिडिडाइमिस है फाइन तो ये वास डिफरेंस दिखा रहा है बल्बोसर ग्लैंड सो ये पेनिस है तो आप देख रहे हो बेसिकली दिस पार्ट इज द स्क्रॉटम एंड ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है फाइन एंड हियर देयर इज अ डायफ्राम आल्सो सो ये जो पार्ट है ओके ये जो पार्ट है यहाँ इसको हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका डायफ्राम है कि नहीं सो दिस इज द पेल्विक डायफ्राम समझ रहे हो तो ये आपका पेल्विक डायफ्राम है तो इसलिए ये नीचे वाला जो है ये प्यूबिक रीजन है समझ रहे हो सो ये जो है ये प्यूबिक कैविटी है या प्यूबिक रीजन ये तो कैविटी कोई होता नहीं है प्यूबिक रीजन है एंड ये जो है ये एब्डोमिनल रीजन है ठीक है सो दिस इज द एब्डोमिनल रीजन दिस इज अ प्यूबिक रीजन ठीक है सो दिस इज अ सिंपल इसको आप खुद समझ लेंगे ये टेस्टिस का अल्ट्रास्ट्रक्चर है आपको वर्टिकल सेक्शन भी दिखाया गया है तो इधर आप देख रहे हो दिस इज हाउ इट गोज अप ठीक है तो यहाँ आपका स्क्रोटल सैक दिखाया जा रहा है टेस्टिस दिखाया जा रहा है ये ईच इज अ लोब्यूल है कि नहीं आगे है डिटेल्स डोंट वरी ये एक्चुअली इजी वाला बनाया तो इसलिए इसने दिखाया है यहाँ तो ये लोब्यूल है तो लोब्यूल का आगे डिस्कशन है सो ये देखो आ गया सो नाउ दिस इज एक्चुअली द एनलार्ज्ड व्यू ठीक है तो अब हम लोग दो चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये आपका एक आ गया फाइन दिस इज वन ड्रॉइंग एंड दिस इज अनदर ड्रॉइंग सो ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है ये आपका इन द स्क्रॉटम इसको डिटेल में दिखा रहा है चलिए सो नाउ इधर ध्यान दीजिए तो दिस इज द टेस्टिस यू आर सीइंग ओके एंड ये आपका स्क्रॉटल कैविटी दिखा रहा है दिस इज एक्चुअली मैं इसमें डॉट्स लगा दूंगा इसमें डॉट्स छोटा छोटा है नहीं ना वो बड़ा गड़बड़ करता है चलो तो ये देख रहे हो तो ये आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ओके ट्यूनिका एल्बुजिनिया मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है एंड ये जो आप देख रहे हो दिस होल थिंग इज योर टेस्टिकुलर लोब्यूल कहीं दिखाया है इसने साथ तो ये मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ अंदर तो ये जो अंदर वाला है ये ऑल दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल ठीक है अब उस लोब्यूल के अंदर ये जो तार जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दे आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो पार्ट होता है कॉइल्ड पार्ट स्ट्रेट पार्ट तो जो स्ट्रेट पार्ट है यहाँ सो दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूली रेक्टाई ओके ये जो स्ट्रेट पार्ट देख रहे हो ये यहाँ दिख रहा है साफ सो दिस इज अ क्लियर व्यू ये आपका स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है आई कुड हैव मैग्नीफाइड उसका ये सब स्क्रीन चेंज हो जाते हैं ना तो ये आपका स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है ये ट्यूबुली रेक्ट दिस वन ओके ये ट्यूबुली रेक्टाई है एंड ये जो जाल नुमा स्ट्रक्चर बना है ये रीटी टेस्टिस है ठीक है नाउ दिस इज कैपुट एपिडिडाइमिस कॉर्पस एपिडाइमिस एंड कॉडा एपिडाइमिस ठीक है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ये है कैपुट यस एपिडिडाइमिस अब लिख जाएगा नहीं एपिडिडाइमिस ठीक है एपिडिडाइमिस ये जो है ये आपका कॉर्पस एपिडिडाइमिस है एंड ये जो है आपका कॉडा मतलब टेल एपिडिडाइमिस है समझ रहे हो सो दिस इज द कॉडा एपिडिडाइमिस एंड यही कॉडा एपिडिडाइमिस आगे जाते क्या बनता है डक्टस डेफरेंस
ठीक है, तो यही आगे जाके वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस बनता है. नाउ ये जो डक्टस डिफरेंस हाउ इट विल गो आउट, तो द होल थिंग इज कॉल्ड ए स्पर्मेटिक कॉर्ड. तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होगा, वास डिफरेंस होगा, आर्टरीज होगा, वेन्स होगा, नर्व फाइबर होगा, लिम्फेटिक होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, मसल्स होगा. वो सारा को एक लेयर से लपेट देंगे, दैट होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड. ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए. नाउ इन दिस ड्राइंग आप देख रहे हो, ये आई हैव टू लार्ज हो गया था इसका, एक्चुअली ये सब सेटिंग सर वी कैन मैग्नीफाई अपना भेजा, थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. ओके, अरे मैं खुद इसको देख रहा हूँ कैसे मैग्नीफाई करेंगे, तू बोल रहा है आई कैन मैग्नीफाई, बड़ा बदतमीज है. पर इसका फोटो खींच लेते हैं. ओके, नॉर्मल में एक फोटो खींच लिया. तो टोक दिया ना, होगा गड़बड़ हो गया. चलो आई विल रीशेयर इट. चलो तो ये जो है एक्चुअली उसको बड़ा करके देखेंगे तो थोड़ा क्लियर व्यू आएगा. इतना बड़ा स्क्रीन है, ये देख रहे हो ना, ये ऑडिया है, ये सब जो दिखाता है ये सब नॉनसेंस थिंग्स आई डोंट वांट, बट फिर भी ये आ जाता है, समझे कि नहीं. चलिए, सो ये डायग्राम हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखना मांगता है. ओके, सो बायोलॉजी में देख लो, समझे, तुम लोग अब मेरा बाप नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझ में आया कि नहीं. तो इसलिए मुझे मालूम है कितना देखना, क्या देखना है. एंड अब क्या है मालूम है, तुम एक क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे वो सारा खिचड़ी बाढ़ में गया. तो इसलिए क्या है, हम एक तो थोड़ा मेहनत ज्यादा ना कर लें. आई नेवर बिलीव इन फास्ट रनिंग माय डियर, ओके, बिकॉज आई नो व्हाट मिस्टेक्स यू मेक. चलिए, सो माई जॉब इज दैट यू अवॉइड दोस मिस्टेक्स. अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग बाहर से नंबर वन स्क्रॉटम पे ध्यान देते हैं. तो ये स्क्रॉटम जो है सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द स्किन, देख रहे हो. तो स्किन जो है उस स्किन में दो मसल्स हैं, एक है डार्टस मसल, राइट. तो ये जो है ये डार्टस मसल है, एंड ये जो अंदर वाला है ये क्रीमास्टर मसल है. तो ये दोनों मसल्स उसको माने जो अप एंड डाउन करने में मदद करते हैं, एक मसल स्विंग करेगा एक मसल रिलैक्स करेगा, ठीक है. सो दिस इज द केस. तापरे ये स्किन तो स्किन ही है, ओके, तो इसलिए दीज आर द टू साइड्स ऑफ मसल, डार्टस एंड क्रीमास्टर. उसके बाद जैसे ही हम अंदर जाएंगे, आपका सबसे पहला वाल है, द फर्स्ट वाल इज कॉल्ड ट्यूनिका वैजिनालिस, सबसे बाहर वाला, ठीक है. तो सबसे बाहर वाला है ट्यूनिका वैजिनालिस, उसके बाद है ट्यूनिका आल्बुजिनिया, ठीक है. तो जो आल्बुजिनिया है वही सेप्टम बनाता है, वही पार्टीशंस बनाता है, ठीक है. तो ट्यूनिका आल्बुजिनिया विल मेक द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है. नाउ ये जो सेप्टा टेस्टिस दिया है या पार्टीशंस, ये कौन बनाता है, ट्यूनिका आल्बुजिनिया. तो कितने लोब्यूल होते हैं बोलो, तो अराउंड 250 लोब्यूल्स पर टेस्टिस, ओके. तो पर टेस्टिस 200 लोब्यूल्स होगा, एंड हु प्रोड्यूसेस द लोब्यूल्स, ट्यूनिका आल्बुजिनिया. एंड ये जो कैविटी है, सो दिस कैविटी इसको स्क्रॉटल कैविटी बोला जाता है, ओके. तो इससे क्या होता है, टेस्टिस जो स्किन है थोड़ा फ्री होगा, अगर वो कस के बंधा होगा तो आपका स्किन हिल जाएगा तो टेस्टिस भी हिल जाएगा. तो इसलिए यू समटाइम्स इफ व्हेन इट इज फ्लैसिड यू कैन स्क्वीज द स्किन, इट डज नॉट अफेक्ट द टेस्टिस. चलिए, तो अब आगे चला जाए. तो ये जो है ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ढूंढिए ये रहा. सो दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है. ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये दिखा रहा है आपको दो दो जगह है कि नहीं, कलर कोटा भर लगे. ये जो है ये सेप्टा टेस्टिस है. नाउ ये देखो,
यहाँ आप देख रहे हो जो टिब्यूली रेक्टाई कहीं लिखा है स्ट्रेट पार्ट, ये रहा स्ट्रेट डक्ट्स, देखो स्ट्रेट टिब्यूल, ये आपका स्ट्रेट टिब्यूल है, सो दैट इज कॉल्ड द टिब्यूल, वो ज्यादा बड़ा बनता है। इधर डॉट पॉट किसी भी देनी ना कुछ, इनको भी मैं सजेस्ट किया था कुछ और ऐड करो, बट मेन थिंग हम लोग, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद इसलिए सुन नहीं रहे। तो ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, तो ये देख रहे हो ये सारी एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल है। तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल का नाम ही क्या है, ट्यूब्यूली रेक्टाई, ओके। एंड जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का नाम है पार्स कन्वोल्यूटा, समझ रहे हो। तो इसीलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो पार्ट होता है, पार्स कन्वोल्यूटा एंड ट्यूब्यूली रेक्टाई, ओके। सो दैट इज ट्यूब्यूली रेक्टाई, बोले बोले। अब ये सारे लोब्यूल से ट्यूब्यूली रेक्टाई आएंगे एंड जुड़ के क्या बनाएंगे, रीटी टेस्टिस, ओके। सो ऑल द, हाँ इट इज एक्चुअली रीटी नॉट रीट, बहुत लोग स्टाइल में रीट बोल देते हैं, एक्चुअली इट इज रीटी। तो ये जो गुच्छा है, ये गुच्छे को हम लोग क्या बोलेंगे, रीटी टेस्टिस। ये एक एनास्टोमोज होता है, एक जाल होता है, ओके। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज ट्यूब्यूल्स एंड ए ट्यूब्यूल्स रु आगु को जाउची जो रीटी को कनेक्ट करता है एपिडिडाइमिस के साथ, कौन, एफरेंट डक्ट्यूल। तो एफरेंट डक्ट्यूल का एक और नाम क्या है, डक्ट्यूली एफरेंटिस या वासा एफरेंसिया, एक्चुअली सो दैट इज कॉल्ड वासा एफरेंसिया, अंडरस्टूड। तो अब एफरेंसिया एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है वास डिफरेंस, एंड ये पूरा का पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड है, एंड दिस इज बेसिकली द पार्टीशन ऑफ द क्या, इट इज द पार्टीशन ऑफ द टेस्टिस, क्लियर। सो ये जो स्ट्रक्चर है, आर यू एबल टू सी दिस स्क्रीन, ये जो एक तो लगाया काला बार, यस सर, हां वो अभी आया है, ओ इडियट, यस सर, वो जाएगा नहीं तो फिर सेव नहीं कर सकते, भाग गया, उसको नहीं भगाएंगे ना तो सेव नहीं हो जाएगा नहीं। चलो सो हाँ, तो इसको कैसे हटाएंगे देखते, हाँ हट गया, चलिए तो इसको सेव करूंगा ना मैं फिट्रो। चलिए सो दिस इज द मिडिल, ओके, ये जो है आपका मीडिया स्टाइनम है जो गैप, एंड ये है रैफे। रैफे किसको बोलते हैं, आप देखोगे ध्यान से टेस्टिस को तो एक जगह जॉइंट लगेगा आपको, ओके, जैसे ये दो स्क्रोटम को सिला हुआ है एक्चुअली द, अगर हम लोग होमोलोगस स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्क्रोटम का है, स्क्रोटम जो है उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर है लेबिया, ओके, मेजोरा या आउटर लिप्स ऑफ फीमेल्स, है कि नहीं। तो फीमेल के आउटर लिप्स के होमोलोगस होता है ये, तो इसीलिए जिस तरह से दो आउटर लिप्स होते हैं तो लेबिया में जो आपका स्क्रोटम भी दो होता है, तो उसको बीच से जोड़ा गया है, तो दैट जॉइंट इज कॉल्ड द रैफे, ओके। तो इसीलिए मैंने आपको वो दिखा दिया। चलिए सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके, अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। आज थोड़ा ड्राइंग बहुत सारा देखेंगे। ये वो जंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन, ओके। सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन, थोड़ा छोटा करेंगे, देख रहे हो। तो ये आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन है, जंक्शन याद आ रहा है जहां आपका यूरेथ्रा एंड आपका यूरिनरी ब्लैडर मीट करता है, तो देख रहे हो कि नहीं, ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड उसका ओपनिंग है यूरेथ्रा, इधर से सुसु आ रहा है, फाइन। सो उसमें देखो यूरेथ्रा कहीं एक होगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये वाला, ठीक है जी, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ये यूरिन पार्ट है। अब हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट क्या है, तो देखिए ये आ गया डक्टस डेफरेंस, तो डक्टस डेफरेंस आया, एंड ये जो स्वोलेन पार्ट है, दिस स्वोलेन पार्ट इज कॉल्ड द इजेक्युलेटरी डक्ट, ठीक है।
तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आफ्टर मीटिंग सेमाइनल वेसिकल होता है, जो सेमाइनल ग्लैंड्स है उसको हम लोग सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं, उसके मिलने के बाद ये पॉइंट आता है, ठीक है जी। सो नाउ इधर आपका स्फिंक्टर होगा, सो ये देख रहे हो ये एंड पार्ट जो है ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट है एंड दिस होल ग्लैंड इज द प्रोस्टेट। तो अब वो प्रोस्टेट के अंदर आपका यूरेथ्रा एंड स्पर्म्स दोनों जुड़ गए, तो इसलिए वन पेयर ऑफ स्फिंक्टर इजैकुलेटरी डक्ट में होगा एंड वन पेयर ऑफ स्फिंक्टर यूरेथ्रा में होगा। अगर आपको ध्यान है हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका यूरिनेशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स द स्फिंक्टर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये जो है ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, तो ये जो देख रहे हो दिस लाइन, सो दिस लाइन इज कॉल्ड द पेल्विक डायफ्राम। तो जिस तरह हमारा थोरेसिक डायफ्राम होता है फ्रैगम, उसी तरह ये आपका पेल्विक डायफ्राम है। तो पेल्विक डायफ्राम में आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड काउपस। चलिए, सो ये एक अच्छा ड्राइंग था, वी हैड टू डिस्कस, उसके बाद आगे चलेंगे। सो दिस इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, देख रहे हो? तो ना ये देखिए, देखो कितना तुम्हारे लिए ड्राइंग ढूंढ के रखा है, मैंने तुम लोग सपने में नहीं सोच सकते इतना ड्राइंग, बस वही है कि आपको मेहनत करना है, तो देख रहे हो? तो ये आपका एक सेक्शन है, तो ये देखो जी, देखो ये आपका प्यूबिस बोन है, फाइन, दिस बोन इज व्हाट, प्यूबिक सिम्फाइसिस, देख रहे हो कि नहीं, ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है एंड ये आपका कौन सा फोरामेन है, याद है? ऑब्टुरेटर फोरामेन, तो ये आपका जो टेस्टिस है ये पेनिस है, तो पेनिस में दो तरह के मसल्स होते हैं, पेयर्ड जो है वो कॉर्पोरा